ईआर टेक्निकल ग्रुप में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि ईआरई ऐप में बैंक अकाउंट को कैसे जोड़ सकते हैं और बैंक अकाउंट में अपना पेमेंट है कैसे ले सकते हैं। तो बैंक अकाउंट जोड़ने के लिए आपके लिए सिंपली से क्या करना होगा, ईआरई ऐप को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपके लिए क्या करना होगा, ऊपर की साइड में तीन डॉट का ऑप्शन मिलेगा जो इस प्रकार से दिखाई देता होगा। सिंपली से इस पर आपके लिए करना होगा क्लिक। सिंपली से इस पर जैसे हम क्लिक कर देते हैं आपके सामने आ जाता है इस प्रकार का इंटरफेस। आपके लिए ऊपर की साइड में बैंक का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली से बैंक के ऑप्शन पे करना है क्लिक। इससे ही आप बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने आता है इस प्रकार का इंटरफेस। आपके सामने इस प्रकार का फॉर्म खुलकर आएगा जो इस प्रकार से दिखाई देता होगा। तो सिंपली से आपके लिए इस फॉर्म में क्या करना है, ऊपर की साइड में आपके लिए प्लीज़ दोस्तों यहाँ पर पढ़ लेना है प्लीज़ अपलोड ओरिजिनल एंड क्लियर दोस्तों इमेज। दोस्तों आपका चेक है आपके लिए, जो आपके पास चेक है उसका यहाँ पर इमेज लगाना होगा। आपके पास चेक नहीं है तो यहाँ पर पासबुक का भी फोटो लगा सकते हैं जो कि ये क्लियर होना चाहिए, जो कि उसमें सभी जानकारी साफ साफ यहाँ पर आपकी दिखना चाहिए। सिंपली से आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नेम डालना है, जिसके नाम से अकाउंट है, बैंक अकाउंट जिस किसके नाम से है उसका यहाँ पर नाम डालना है। नाम बिल्कुल सही डालना है, अकाउंट नंबर बिल्कुल सही डालना है और IFC भी बिल्कुल सही डालना है, जिससे कि आपका पेमेंट है आसानी से आ सके, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जिससे कि आपका पेमेंट होल्ड हो जाए, कभी पेमेंट नहीं आ रहा, कभी कुछ नहीं आ रहा। अगर आप गलत जानकारी भरते हैं तो आपका पेमेंट में दिक्कत आने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर जानकारी फिल करते समय सभी जानकारी अच्छे से फिल करें। जैसी जानकारी आप अच्छे से फिल कर लेते हैं उसके बाद में क्या करना है, सबमिट के ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो आपकी जानकारी यहाँ पर सभी सबमिट हो जाती है और आपकी बैंक है वो आसानी से यहाँ पर लिंक हो जाएगी। लिंक हो जाने के बाद आपका पेमेंट इसमें आसानी से ले सकते हैं। और अपना पेमेंट कैसे दोस्तों निकालते हैं, सिंपली से माई पेमेंट के ऑप्शन पर जाएंगे, इस पर से सिंपली आपका माई पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आपके लिए विड्रॉ का ऑप्शन, जैसे आपका पेमेंट आ जाएगा उसमें आपका विड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली से विड्रॉ यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं, सिंपली से आपको विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए कैसी लगी दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन वाला बटन है उसको भी प्रेस करते जाएं, जिससे कि आपको हमारी जानकारी बाद में मिलती रहे।